एक बार क्या हुआ ब्रज में, कार्तिक का महीना था, दीपदान की बड़ी महिमा है, है ना, आपको तो पता है दीपदान की महिमा है बहुत। तो दीपदान के लिए यशोदा जी के साथ अन्य गोप गोपियां भी यमुना किनारे जाने लगी, आरती की थाली सजाकर, सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित पुष्पों को लेकर, शुद्ध घी का दीपक लेकर। शुद्ध घी का दीपक जलाने की महिमा है, या तो तिल के तेल का दीपक हो या तो शुद्ध घी का हो, लेकिन हमारे घर में उल्टा होता है। भगवान के लिए दीपक जलाना हो तो डालडा घी ले आएंगे, वनस्पति घी, और हमें खाना हो तो अच्छे से अच्छा घी लेकर आएंगे कि नहीं हमें खाना है ना, वो तो भगवान को दीपक लगाना है, कुछ भी लगा दो, भगवान कौन सा वो दीपक को खाने वाले हैं, हम ऐसा समझते हैं। नहीं नहीं, हम घी ना खाए तो अच्छा, लेकिन भगवान को जरूर वो दीपक लगाओ, क्योंकि वो दीपक जो भगवान के सामने हमने प्रज्वलित किया है, वो दीपक के द्वारा जो प्रकाश फैलता है वो वायुमंडल के ढेर सारे कीटाणुओं को नष्ट कर देता है, तो घर में बीमारी नहीं होती। और दूसरा, उस लौ के द्वारा जो धुआं निकलता है वो बहुत सारे अनिष्टों का निवारण करता है। पद्म पुराण में आया है, अगर कोई व्यक्ति अपने घर में 12 वर्ष पर्यंत अगर तिल का दीपक अखंड जला के रखते हैं तो वहां साक्षात भगवान श्री हरि लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। उस घर में अगर किसी को भूत बाधा, प्रेत बाधा आदि हो, बाहर का कोई जादू टोना आदि कुछ किया हो, तो उस व्यक्ति के घर में उस दीपक के पास जाते ही उसके ऊपर से वो बुरी शक्तियों का, आसुरी शक्तियों का प्रभाव तत्काल नष्ट हो जाता है। इतनी महिमा है उस दीपक को प्रज्वलित करने के या स्थापना करने के भी कोई मंत्र नहीं है, केवल शुद्ध तेल मिले तिल का और उसका अखंड दीपक 12 वर्ष पर्यंत जलता रहे। तो दीपदान की महिमा थी, दीपदान करने गए, लेकिन यशोदा जी जरा कार्य जल्दी जल्दी कर रही थी कि कहीं वो नटखट आ जाएगा तो वो पीछे पीछे फिर लगेगा और न जाने वहां यमुना तट पर कितना उत्पात मचाएगा। तो मैया ने तो फटाफट तैयारी की और बहुत बड़ा घूंघट निकालकर चुपके से किसी कोने से निकल रही थी, थोड़े दूर पहुंची और पीछे से पल्लू पकड़ लिया। अरे मैया कहाँ जा रही है? मैया ने कहा, हाय दैया, इससे छुप के भाग रही थी और ये सामने आ गया। मैया कहाँ जा रही है? बोले, बेटा तेरा कोई काम नहीं, तुम जाओ खेलो अपने मित्रों के साथ। नहीं मैया, मैं तो साथ में चलूंगा। अब जिद करने लगे, ठीक है चल, लेकिन एक शर्त पे ले जाऊंगी, वहां जाके किसी भी प्रकार का उधम मत मचाना। अगर मस्ती की, किसी को परेशान किया तो फिर ठीक नहीं होगा, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, देख लेना, वचन देता है तो ले जाऊंगा। बोले, हाँ मैया, किसी को परेशान नहीं करो, मुझे ले चल। अब वो छोटे छोटे भगवान मैया का हाथ पकड़ते हैं, मैया भी वो छोटी उंगली काना की पकड़ रही है, और दोनों माँ बेटे एक एक पद आगे बढ़ा रहे हैं, पहुंचे हैं यमुना के तट पर। मैया तो दीपदान में और अन्य विधि में व्यस्त हो गई, काफी देर हो गई। मैया ने देखा अभी तक किसी गोपी की चिल्लाने की आवाज नहीं, और न ये मुझे कुछ सता रहा है, ये पीछे इतना शांत, इतना परिवर्तन कैसे, ये इतनी देर शांति से खड़ा है। पीछे मुड़ के देखा तो महाराज गायब थे। अरे अरे, तूने देखा मेरे काना को कोई है कि नहीं? अरे देखा तूने? बोले, नहीं मैया, हम तो उसमें लगे हुए। अरे अरे अरे, तूने देखा होगा? अरे मैंने भी नहीं देखा। अरे तो गया कहाँ मेरा लाला? अरे किसी ने, अब एक तो ला नहीं रही थी, अब शांति से पूजा विधि संपन्न हो रही थी, अब वो काना दिखा नहीं, तो वो भी उत्सुकता अंदर से हो गई, तड़प बढ़ गई। अरे कहाँ चला गया होगा, कहीं नदी में तो नहीं कूद गया होगा, पता नहीं कहाँ होगा।
थोड़े ढूंढते ढूंढते थोड़े दूर आगे तक पहुंची तो दूर से देखा कि कोई व्यक्ति कमर तक के पानी में जा रहा है और दिया जो बहते हुए दिए आ रहे थे उसमें से जो दिया नजदीक आ गया उसको उठाकर किनारे लगा रहे थे। मैया ने देखा, हाय दैया, ये काम कौन कर सकता है, ये मेरे नटखट के सिवाय तो कोई करेगा नहीं। नजदीक जाके देखा तो अपने ही महाराज निकले। अब मैया धीरे से चुपके से नजदीक तो पहुंच गई और ये कमर तक के गले तक जहां तक आगे जा सकते थे भगवान, और फिर असंख्य दिए बहते जा रहे थे। अब जो नजदीक आ जाए, जो हाथ में आ जाए, अब एक दीपक आया बहते हुए नजदीक हाथ में लेकर, जैसे ही पीछे मुड़े तो मैया को देखकर दीपक हाथ से छूट गया। बोले, मैया आप इधर। मैया कुछ बोली नहीं और मानो यहाँ मैया का और श्याम सुंदर का मनोमन संवाद चल रहा है कि बेटा इतने असंख्य दिए जा रहे, असंख्य दीपक जा रहे हैं, लेकिन ये दीपक तो यमुना जी के लिए है, तू इनको निकाल के क्यों किनारे लगा रहा है? किसी ने दान दिया है तो जाने दे, क्यों रोक रहा है उनको? अरे मैया, मानो अंदर से जवाब दे रहे भगवान कि अरे मैया मेरी यही तो मेरी खास बात, मेरा काम ही तो है बहते हुए को किनारे लगाना, मैं लगा रहा हूं। तो मैया बोलती है, फिर ये असंख्य दीपक जा रहे इतने सारे, इन सबको क्यों किनारे नहीं लगा रहा? तब मानो श्याम सुंदर मनी मन जवाब दे रहे भगवान मैया को, सन्मुख हो ये जीव मोहे जब ही, जन्म कोटि अगना सही तब ही। हे मैया, जो बहते हुए मेरे सन्मुख आ जाए उसको तो मैं तार देता हूं, इन सब का ठेका मैंने नहीं लेके रखा। जो सन्मुख हो जाए, मेरे नजदीक आ जाए, जप करके तप करके प्रेम सहित योग करके किसी भी प्रकार से वो अगर मेरे नजदीक आता है, मेरे सन्मुख होता है, तो मैं उसे तारने का मेरा प्रण है। लेकिन जो मेरे से दूर है उसे बहने में ही आनंद मिल रहा है इस विषय विकारों की नदियों में, उसको वो नदी मुबारक। लेकिन जो मेरे पास मेरे नजदीक आए हैं उसको तारने की जिम्मेदारी मेरी है, सबका ठेका मैंने नहीं लेके रखा।